हरे कृष्णा। आज श्लोक है, श्लोक नंबर 4, स्कंद 1, अध्याय 12। सूत उवाच, अपिपलत धर्मराज पितृवत्रंजयन प्रजा निस्पृह सर्व कामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अपिपलत शासित संपन्नता धर्मराजः राजा युधिष्ठिर ने पितृवत अपने पिता के समान रंजयन प्रसन्न करते हुए प्रजाः जन्म ग्रहण करने वालों को निस्पृह बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के सर्व समस्त कामेभ्यः इंद्रिय तृप्ति से कृष्ण पाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनुसेवया निरंतर सेवा करते रहने से। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुध गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तात्पर्य, जैसा कि हमने ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनंती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्तिक परक आशय यह है कि जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां है, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे सभी प्रजा कहलाती है। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह है। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है, जैसा भगवद्गीता में 14.4 में कहा गया है, और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्रविहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है, लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की सनदें व्यर्थ और निरर्थक होती है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है।
पिता सदा पिता ही रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सत्वगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती है, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधा प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। तो आज का ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और जो अनुवाद है वो भी सुंदर है, तात्पर्य भी सुंदर है, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात है कि युधिष्ठिर महाराज को उदारतापूर्वक शासन चलाया। वो सभी जो प्रजा थी उनकी, उसके पिता के तुल्य थे, जबकि आज तो यूक्रेन और रशिया, तो वहाँ पे उनकी प्रजा का क्या हाल है। लोग छुप कर बैठे हैं, लोगों के अपार्टमेंट जल रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो उनको कुछ पड़ी नहीं है। यहाँ पर तो प्रजा मतलब वहाँ पे जो पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उनके प्रति भी राजा युधिष्ठिर सचेत थे, खासकर मनुष्य के प्रति, कि उनको उनकी चेतना विकसित है, कि उसको दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो उसके प्रति ज़्यादा चिंतित थे। हालांकि वो सबके प्रति चिंतित थे, लेकिन आज एक ऐसा समाज है जिसमें किसी को किसी की खास पड़ी नहीं है। वो पुतिन को अपना साम्राज्य बड़ा करना है, आज यूक्रेन को पकड़ा है, कल और किसी को पकड़ेगा, तो ये वो लोगों की जान लेकर भी उसको अपना साम्राज्य बड़ा करना है, तो ये तो राजा की उत्तरदायित्व में तो ये नहीं आता है। राजा का उत्तरदायित्व ये है कि सभी प्रजा का पालन पोषण करें और खास करके उसमें जो कृष्ण चेतना है उसको विकसित करना है। तो वही मनुष्य जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि हम कृष्ण चेतना को जागरूक करें। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये भी है कि उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी। यहाँ पर जो भी राजा बने बैठे हैं उनको खुद का व्यक्तिगत आकांक्षा है कि मैं शक्तिशाली राजा बनूं, मेरा साम्राज्य शक्तिशाली हो, तो वो उसका लक्ष्य रहता है, व्यक्तिगत आकांक्षा जो यहाँ पे लिखा है। और आगे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो हम सब इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादातर भौतिकतावादी लोग हैं, हम सब, मैं तो स्ट्रगल करता हूँ कि कैसे इंद्रिय तृप्ति से विरक्त हो, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट बताया गया है कि राजा युधिष्ठिर किस तरह से विरक्त हुए, किस तरह से विरक्त हुए, श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण विरक्त हुए इंद्रिय तृप्ति से। तो यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति से अगर विरक्त होना है तो हमारे प्रयास काम नहीं आएंगे, हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति को जीतने के लिए, क्योंकि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट निवर्तते। तो ये जब ऊंचा टेस्ट मिलता है तो नीचा टेस्ट छूटता है। आज में मेरे बेटे को उठा रहा है कि भाई चलो मंगलाती में, नहीं वो कंटाला, वो कंटाला है, फिर जब यहाँ पे आया कैसा लगा, बुम जाएगी, बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसा है, शुरू में कड़वा, फिर एक बार आ जाओ तो टेस्ट मिलता है, वो जब टेस्ट मिलता है तो नीचा टेस्ट छूटता है। कोई भी व्यक्ति तुरंत वो सब कुछ नहीं छोड़ सकता,
कुछ ना कुछ, हम सब जड़ पदार्थ तो है नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, कुछ टेस्ट प्राप्त करने के लिए। और जब तक भगवान में से वो टेस्ट नहीं आता तो हम ये नीचा टेस्ट कैसे छोड़ सकते हैं। और भगवान में से टेस्ट जब आता है कि जब निरंतर सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेद, वो जब टेस्ट मिलता है, ये जो श्रवण करते हैं तो श्रवण का टेस्ट मिलता है। अगर हम ध्यान से श्रवण करें तो परीक्षित महाराज ने इतना ध्यान से श्रवण किया 7 दिन को, उसको ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई। हमको नींद आ जाती है क्योंकि हमको टेस्ट नहीं मिलता है। और सुखदेव गोस्वामी जी को भी कितना टेस्ट मिला, हम तो भाई मैं घड़ी में देखो भाई प्रभु कितना वाजे पूर्व करो कि भाई 8:20 से पूर्व करो, चलो थोड़ा घड़ो बोल ही नाखूँ, 2 पेज का है तात्पर्य तो 5-10 मिनट उसमें चल जाएगी, 10 मिनट कुछ भी आज आड़ी ओड़ी बात कहीं पूर्व कर नाखूँ। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे, सुखदेव गोस्वामी तो कितने अद्भुत कि उनको पता भी नहीं चला गया कृष्ण कथा करते करते कब समय निकल गया, सुनते सुनते परीक्षित महाराज को पता नहीं चला। तो अभी हमको कितना कितना उच्च लेवल पे लोग हैं। अभी जो गोपाल कृष्ण महाराज आए थे इतने वयोवृद्ध, हालांकि वो तो शरीर से परे हैं, जब कीर्तन के लिए खड़े हुए तो भक्तों ने उनको सपोर्ट किया, तब वो कीर्तन किया। और जब कीर्तन किया तो ऐसा लगा जैसे पूरा मंदिर नाच रहा है, कितनी कितना प्रभाव, तो कितनी शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति की शक्ति कितनी है और हमें वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। हालांकि जो मुक्त जीव है, जो सन्यासी महाराज है, उनका लेवल तो हम कल्पना के बाहर का है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा बूंद भी अगर हमें मिले तो क्या नहीं हो सकता। तो अगर हम सब लोग इस तरह से शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, इकट्ठा हो, तो पूरे विश्व को ये सब राजा जो आजकल के हैं वो सब कुछ बदल सकता है। और भगवान कहते हैं कि भाई ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है, इसलिए नंदग्राम और सब फार्म कम्युनिटी है। और आगे भी प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमान सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है, सत्वगुण में, राजा सत्वगुण में। ज़्यादातर राजा क्षत्रिय मतलब रजोगुण तमोगुण में होते हैं, जबकि परीक्षित राजा सत्वगुण ऐसे दिव्य गुण में थे। और वे जानते थे कि शासन चलाते रहे इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इंद्रिय तृप्ति पर बेस है, और जो स्मार्टफोन है या जो भी है, पूरा लोगों की चेतना इंद्रिय तृप्ति पर नहीं भी होती है फिर भी उसको मजबूर कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता है तो वो मजबूर हो जाता है कि वो कैसे कॉन्टैक्ट करे, कोई चीज़ का है, तस्वीर है, फोटो खींचना है तो भी स्मार्टफोन चाहिए, वीडियो कॉल करना है तो भी, ऐसी इन जो ज़रूरत नहीं है फिर भी ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। तो इसलिए जो इंद्रिय युधिष्ठिर महाराज का जो शासन था वो इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी आसुरी पर सिद्धांत पर कार्य नहीं था। और आजकल यहाँ पे लिखते हैं कि पशु पक्षी पेड़ पौधे उसकी भी युधिष्ठिर महाराज वो पूरे जीवात्मा मतलब जितने भी जीव वो उसकी पूरी जवाबदारी एक राजा पर होती है। और आज खुलेआम रास्ते पर कत्ल कर डालते हैं, कोई पड़ी नहीं है। तो कितना हम खराब समाज में रह रहे हैं कि जहाँ पे 19 साल की लड़की का जहर में मर्डर हो जाता है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, और क्या कसूर है उसका। तो कल तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, नए लोग आएंगे, तो कितना ज़रूरत है कृष्ण भावना मुक्त के ज्ञान का, कितना ज़रूरत है प्रचार का। लोगों को पता नहीं कि मनुष्य जीवन किस लिए है, उसमें क्या करना चाहिए। और जो हमारा अभी सार्वभौम प्रभु आए थे तब बताया था कि शरीर बदल जाता है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार वो तो हम बदलते ही नहीं हैं। वो तो कितने सालों से नद्वेवाहम जातु नासम न तम ने में जनादीपा न चैव न भविष्यम सर्वे वय मत परम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, ये सब राजा हम सब, तो हम सब शरीर बदलते रहते हैं लेकिन जो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार जिसकी लपेट में आत्मा आता है और फिर वो दूसरे शरीर में जाता है, तो वो तो उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं है।
तो ये जो श्लोक है कि युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण की चरण कमलों की निरंतर सेवा करने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रियों स्तुप्ति से वास्तव में विरक्त हुए। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है कि घर में जाकर मैं इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हूँ, बाहर से दिखाने के लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेन बात है वो अंदर की बात है। ये जो पूरा कृष्ण भावना तांडव है वो अंदर की बात है कि अंदर से हम क्या बनते हैं, अंदर से हमारे में क्या चेंज आता है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार उसमें कृष्ण को प्राप्त करने की कितनी लालसा है, वो कृष्ण में कितना मन कितना आसक्त है, बुद्धि कितनी आसक्त है। क्योंकि इसलिए भगवान बार बार भगवद गीता में यही कहते हैं मन मना भव मद भक्त, तुम्हारा मन मुझ में दो, मन मुझ में दो, मन मुझ में दो, क्योंकि वही तो तुमको दूसरे शरीर में ले जाता है, ये तो नष्ट होने वाला है। तो इसलिए हमारी चेतना, क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं ज़्यादातर, तो हमें पूरे दिन काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, और माता जी को रसोई पकानी है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें, क्या स्थूल शरीर है तो क्या काम धंधा छोड़ दें, सब यहाँ पर बैठ जाएं। तो जो प्रैक्टिकल बात यह है कि वो सूक्ष्म शरीर, हम अच्छी साधना करते हैं, हर रोज मंगल आरती अटेंड करते हैं, एक दो घंटा रीडिंग करते हैं, प्रभुपाद के गुरु महाराज के लेक्चर सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो चेंज होगा, और वो जब चेंज होगा तब हमारा अगला जन्म दिव्य होगा, या तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। स्थूल शरीर ये जो तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, वो शरीर की शुद्धि के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, सामने वाले को भगवान का स्मरण हो, वो सब के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन, सूक्ष्म शरीर के अंदर की जो चेतना है वो जब तक नहीं बदलती तब तक हमें उच्च गति या भगवत धाम नहीं मिल सकता। क्योंकि अंत काले चौमा में वो स्मरण मुक्तवा कल्य बर, हमारा स्मरण किसमें रहता है वो इम्पोर्टेंट है। और पांच मिनट है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह मनुष्य जड़ों को न सींच कर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, तो ये सब बात पर सही भी पॉइंट आता है कि हमारा फैमिली है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे, क्या उसका क्या करें। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भाई युधिष्ठिर महाराज भी गृहस्थ थे, लेकिन हम मूल को छोड़कर सिर्फ पत्तियों को ही पानी डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से सिर्फ हम उनका इंद्रिय तृप्ति या उनका ही ध्यान रखते रहेंगे, लेकिन जो कृष्ण है उसको केंद्र में नहीं रखेंगे तो वो सब सेवा श्रम हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखते हुए हुए उन लोगों की कृष्ण भावना में प्रगति कैसे हो, हमारी कैसे प्रगति हो, उस हिसाब से हमें हमारा जीवन जीना चाहिए, जिससे कृष्ण जो मूल है उसके अंदर पानी जाए और उसके द्वारा सभी की सेवा हो। जैसे कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है तो हम देखते हैं उसके परिवार वाले भी आते हैं, ज़्यादातर आते हैं। अगर पत्नी भक्त बनती है तो पति धीरे धीरे आता है, पति बनता है अगर उसका आचरण एटीट्यूड अगर अच्छा है, जैसे हम संजय भाई और मुकेश भाई, उनके से मैं ज़्यादा संपर्क में हूँ, तो संजय भाई जब आए तब उनके माता पिता नहीं थे, अले भक्ति में नहीं थे, और उनके घर में चारों तरफ देवी देवताओं की तस्वीरें थी। सबसे पहले तो उनके भाई भक्ति में थे, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे सब पे आया। तो क्यों आया, तो जहाँ पे जो लिखते हैं कि कृष्ण मूल है, मूल की सेवा करते हैं तो पत्तियों को भी हरे रंग मिल जाते हैं। खाली पत्तियों में पानी डालने से उसका हरा रंग चला जाता है, तो मूल में पानी डालते हैं तो पत्तियों को भी हरा रंग मिलता है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगता है तो उसके परिवार की सेवा भी हो जाती है, उसका भी परम कल्याण हो जाता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, दशरथ प्रभु जो दिव्य भोपाल में हैं, उनके मम्मी पापा किस तरह से भक्ति में आए, सोला माला करने लगे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो ये प्रभाव आता है, क्योंकि वो उसकी चेतना दिव्य होती है। एक व्यक्ति घर में दारू पीने वाला हो तो उसका प्रभाव भी घर में आता है, उसका बच्चा भी दारू पीने लगता है, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पैसे की तंगी आ जाती है, घर में मारामारी होती है, मर्डर हो जाता है। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आता है तो उसका प्रभाव भी आता है। तो ये है असली सेवा और ये है असली राजा का कर्तव्य।
और आखिर में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंशरूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे। तो भगवान की कृपा उस पर आती है और उसके कारण उनके साम्राज्य में जितने भी लोग थे उनकी सारी उसको सारी सुविधाएं प्रदान हो जाती थी युधिष्ठिर महाराज के प्रभाव के कारण। तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित हो जाता है, हो सकता है उनके घर में कुछ तकलीफें आए लेकिन अंत में उसका भला होता है, उसकी सारी सुविधाएं उसको भगवान, सारी सुविधाएं मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत बड़ा गाड़ी मिले बंगला मिले, लेकिन उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो उसको भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल भी है और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती है। तो इस जीवन में तो भगवान उनकी सारी सुविधाएं उसको प्रदान करते हैं और अगले जीवन में भी उनकी उन्नति होती है। जो कृष्ण भक्ति में वास्तव में मतलब अंदर से लगते हैं उसका पूरा, ऐसा नहीं कि भाई मैं भक्तों के सामने बैठा हूँ, चलो 10 मिनट अच्छी बात बोली, घर जाके मैंने टीवी देखा, ये नहीं, असली मतलब कि घर जाकर भी इसके ऊपर चिंतन किया कि जब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं वो सच में मैं पालन करता हूँ। तो वो मतलब कि भले ही हम कहीं भी हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी चेतना भगवान में किस तरह से प्रगति की जाए, भगवान को किस तरह से प्राप्त करें, उस हिसाब से हमारा जो आंतरिक शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो मेन स्वभाव है वो भगवान में लगे, यही सभी शास्त्रों का सार है, इस श्लोक का तात्पर्य है। और इस तरह से आखिरी सेंटेंस में प्रभुपाद लिखते हैं, राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण व्यवस्था। तो एक राजा अपने देश का राजा होता है और एक पिता उसके घर का राजा होता है। तो हम सब हमारे घर के तो राजा हैं कुछ नहीं, तो एटलीस्ट हम हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे फैमिली में एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व बना सकते हैं जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़े और दूसरों का जीवन भी परिवर्तन हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पत्नी को, अपने पुत्र को जन्म मृत्यु में से नहीं छुड़ा सकता, उसको पति नहीं बनना चाहिए, उसको पिता नहीं बनना चाहिए, उसको माता नहीं बनना चाहिए। तो वही वो जवाबदारी भी है हम सबके ऊपर। तो वो आती है हमारे आदर्श चरित्र से। वो बेटा रह गया तो मम्मी पापा आपको दिवस तारू मारू झगड़िया करता है आ हूँ, तो वो क्या उसको ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है कि कृष्ण भक्ति क्या है। तो अगर हम इस तरह से युधिष्ठिर महाराज के जैसा जीवन व्यापन करेंगे तो हमारे प्रभाव से, भगवान की कृपा से वो लोग भी भक्त बनेंगे और धीरे धीरे दूसरे लोगों में भी अच्छा प्रचार होगा। हरे कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।